केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस। कोल एनालिसिस दो प्रकार के हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो फिक्स कार्बन पढ़ेंगे, वोलाटाइल मैटर पढ़ेंगे और एस पढ़ेंगे। ये तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, राइट। तो पहला टॉपिक हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट, टेस्ट प्रोसीजर, कैलकुलेशन। इस टाइप से हम क्या करेंगे, आपको पूरा प्रोसेस से आपको क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। मैं सभी का इंट्रोडक्शन बता दूंगा ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो जब हम क्या करते हैं, कोल को जलाते हैं, जलाने के बाद हमारे पास जो रेसिडुअल पार्ट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं या राख बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, जनरली पावर प्लांटों में कोल को जलाते हैं, जलाने के बाद एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन को किसमें कन्वर्ट करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, लेकिन 100% तो नहीं हो पाता होगा। कुछ पार्ट क्या होता है, रेस्टुअल में या जो अपशिष्ट है या सिस्टम में लगता है वो बचता है। बचने के बाद क्या होता है, एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राख बोलते हैं या एस बोलते हैं। उसी का हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। या माना जाता है कि जिस कोल में जितना ज्यादा एस रहेगा उस कोल का क्वालिटी उतना पुअर रहेगा, या जिस कोल में जितना कम क्या रहेगा एस रहेगा उसका क्वालिटी उतना अच्छा रहता है। बस एक बात को याद रखिएगा, राइट। फिर हम क्या करते हैं, वोलाटाइल मैटर। वोलाटाइल मैटर में हम क्या देखते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ रहते हैं जिसके वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये सबको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये वेपर बन के उड़ता है, ये एक निश्चित टेम्परेचर में क्या होता है, उड़ता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन सोचिए, इसमें जो बचता है उसका कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वोलाटाइल मैटर में जो उड़ता है उसका हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब हम दोनों को, जैसे कि एस प्लस क्या होता है हमारा वोलाटाइल मैटर, दोनों को जोड़ के 100 से हम क्या कर देते हैं, माइनस। तो बचा हुआ पार्ट है वही हमारा क्या होता है, फिक्स कार्बन, जिसको हम Fc से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, राइट। तो हमारा आज का पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में हम देखते हैं, तो हमको टेस्ट करने के लिए बहुत सारा क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होता है। जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स हो जाएंगे तो आपको टेस्ट करने में आसानी होगा। तो सबसे पहला हमको मेनली चाहिए वेट मशीन, राइट, स्पेचुला। फिर हमको चाहिए कोल सैंपल। कोल सैंपल का साइज क्या, कोल का हमारा साइज है क्या हो जाएगा, -212 माइक्रोन। अब 212 माइक्रोन से कहाँ तक हुआ है, इसके बारे में मैंने कोल प्रिपरेशन बताया है, कोल प्रिपरेशन को आप जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 212 माइक्रोन कैसे लाए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहले मान लो मैं प्राइमरी क्रशर में क्या किए हैं, इसको 50 mm किया है ग्रास सैंपल के द्वारा, 50 mm। फिर इसको क्या किए हैं, ग्राफ सैंपल में कन्वर्ट। ग्राफ सैंपल में एक पार्ट को क्या लिए हैं, टीएम लिए हैं। टीएम लेने के बाद क्या करते हैं, फिर कोनिक क्वार्टरिंग करके इसको -12.5 में क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 12.5 में फिर इसको क्या करते हैं, -3.35 में mm में। फिर इसको कोनिक क्वार्टरिंग करके क्या करते हैं, इसको -212 माइक्रोन या 72 में, ठीक है, इतना में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट। अब यहाँ से हमको क्या करना है, सैंपल लेना है, ठीक है। जो सैंपल हम रिक्वायरमेंट में ले रहे हैं हम यहाँ से ले रहे हैं। हम सैंपल कहाँ से स्टार्ट किए थे, लेना यहाँ से किए थे। इसको प्रिपरेशन का अलग, कलेक्शन का अलग बता दिया हूँ, प्रिपरेशन का अलग बता दिया हूँ। आज हम एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। तो इतना प्रोसीजर मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 212 माइक्रोन का कोल हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस के लिए ले रहे हैं, राइट। तो ये क्या होना चाहिए, 212 माइक्रोन का कोल याद रखिएगा, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। रिक्वायरमेंट में आपको एकदम कंपलसरी याद रखना है, जो सैंपल ले रहे हैं वो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। अब मॉइस्चर फ्री क्यों होना चाहिए, जैसे कि हम अगर एस का एनालिसिस कर रहे हैं तो मॉइस्चर अगर कोल में रहा तो क्या करता है, एस को कम कर देता है। याद रखिएगा, अगर जिस कोल में मॉइस्चर है और उसके लिए आप क्या कर रहे हो, एस का एनालिसिस कर रहे हो, तो क्या करता है, एस की परसेंटेज को कम कर देता है। इसका एग्जाम्पल आप कैसे समझोगे कि नॉर्मल कोल, आप नॉर्मल कोल और वाशरी कोल का जब एस एनालिसिस करोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। जैसे हम नॉर्मल कोल को करते हैं तो हमारा कितना आता है, 25 से 45% तक हमारा आता है, ठीक है। एस का मैं बात करता हूँ तो नॉर्मल, इसमें मॉइस्चर मैं वो करता हूँ ना, मॉइस्चर का बात करता हूँ, तो मॉइस्चर कितना होता है, 25 से लेकर 45, ये हमारा क्या है, नॉर्मल कोल। और लेकिन जब मैं वासरी का देखता हूँ,
वाशरी का देखता हूँ तो 10 से क्या हो जाता है 20%। मतलब क्या है, हम कोल को जब वाश करते हैं तो उसमें मॉइस्चर तो रहेगा, इसीलिए क्या होता है उसमें एस की मात्रा कम हो जाता है और इम्प्योरिटी भी हट जाता है। इम्प्योरिटी हटा तो क्या हो जाता है, दो चीज़ होता है इसमें, मॉइस्चर है तो क्या होता है धोए हैं, धोने से क्या हो इम्प्योरिटी भी हटा, तो वो भी एक कारण हो जाता है कि एस कम होने का। और इसमें एक गीलापन रहता है, ठीक है, मॉइस्चर पानी रहता है, इसलिए क्या होता है इसमें परसेंटेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि नॉर्मल कोल जो हम देख रहे हैं माइंस से डायरेक्ट आ रहा है उसको देखते हैं तो उसमें 20 से 25 से क्या होता है 45% तक का एस रहता है। इसीलिए हमको जो सैंपल ले रहे हैं उसको हमको क्या करना होगा, 24 आवर एयर ड्राई मॉइस्चर में इसको सुखाना होगा, फिर जाके आपको टेस्ट करना होगा, राइट। ठीक है, ये हमारा रिक्वायरमेंट के समय आपको याद रखना है आपकी कि कौन सा सैंपल आपको लेना है टेस्ट करने के लिए, राइट। उसी प्रकार आप इसी सैंपल को आप वोलेटाइल मैटर के लिए लेते हो तो क्या होता है, वोलेटाइल मैटर जब मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो वोलेटाइल मैटर बढ़ जाएगा, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या होता है एस के कंडीशन में कम होता है, वोलेटाइल के मैटर में ऊपर हो जाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग क्या है कैलकुलेशन होता है, दोनों का अलग अलग हम क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं। इसीलिए दोनों के कंडीशन में आपको याद रखना है मॉइस्चर फ्री होना चाहिए जो हमारा सैंपल है, राइट। एस में कम होता है जो मॉइस्चर का मॉइस्चर रहेगा तो एस को कम कर देगा और वोलेटाइल मीटर में ज़्यादा कर देगा, दोनों चीज़ को याद रखिएगा, राइट। तो हमारे पास कोल सैंपल हो गया, मफल फर्नेस हो जाएगा। मफल फर्नेस के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिएगा, मफल फर्नेस का अगर टेम्परेचर आपको 0 से रखे हो तो जस्ट टाइम को डबल करना होगा। जैसे मैं कोई सैंपल को एस के लिए मेरे को 1 घंटा रखना है, 1 घंटा कब रखना है मेरे को 800 डिग्री टेम्परेचर में, लेकिन मैं 0 हो रहा है तो 0 के कंडीशन में कब रखूंगा, 2 घंटे के लिए रखना पड़ेगा, राइट। अगर मेरे को 7 मिनट वोलेटाइल मीटर के लिए रखना है तो वो डबल नहीं होगा क्योंकि उसको 7 ही मिनट है, उसको टाइमर लगा के आपको करना होगा। तो वोलेटाइल मीटर का ये हमारा क्या हो जाएगा, मफल फर्नेस। रिक्वायरमेंट ही मैं बता रहा हूँ, अभी टेस्ट प्रोसीजर नहीं बता रहा हूँ, केवल रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, राइट। मफल फर्नेस हो जाएगा, फिर इतना हम क्या करते हैं, हमारे पास रिक्वायरमेंट हो गया तो हम टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका हम क्या करते हैं आपको टेस्ट करके बताते हैं। तो आज का हमारा टेस्ट प्रोसीजर का पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, एस एनालिसिस। एस के बारे में हम सबसे पहले आपको बताते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्रूसिबल आता है, अलग टाइप का क्रूसिबल रहता है, ये नॉर्मल क्रूसिबल से जैसे हम प्लेटिनम का क्रूसिबल यूज करते हैं वो अलग क्रूसिबल नहीं है, ये अलग टाइप का क्रूसिबल है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं सबसे पहले लेते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एस क्रूसिबल। एस क्रूसिबल को क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक, अच्छे से साफ कर लिए, साफ करने के बाद लेते हैं, अब फिर क्या करते हैं इसका एम्प्टी वेट लेते हैं, एम्प्टी वेट ले लिए। एम्प्टी वेट लेने के बाद क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं W1 मानते हैं, एम्प्टी वेट को हम क्या मानते हैं W1। इसका वेट मान लो मैं कितना लिया हूँ 25 ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली ले रहा हूँ क्योंकि कोई चीज़ अप्रॉक्सीमेटली नहीं होता, मेरे को आपको कैलकुलेट करके बताना है। मैं यहाँ पे क्या है कैलकुलेटर यूज नहीं करूँगा, केवल एक इसी के हिसाब से मैं क्या करूँगा आपको बताऊँगा ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। ये वैल्यू अलग अलग हो सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि हर क्रूसिबल का वेट अलग अलग होता है, राइट। तो मैंने सबसे पहले क्या किया हूँ, एक एम्प्टी क्रूसिबल एस क्रूसिबल लिया हूँ, उसको क्या किया हूँ मैं वेट मशीन में क्या किया हूँ, उसका वेट किया हूँ। आपको वेट मशीन में तौलते समय आपको याद रखना है कि आपका जो डिजिट है वो 0 0 होना चाहिए, उसके बाद आपको क्या करना है वेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है मॉइस्चर फ्री, याद रखिएगा, मॉइस्चर फ्री, मॉइस्चर फ्री कोल सैंपल लेना है। कोल सैंपल क्या रहेगा, 212 माइक्रोन का। इसको भी आपको एक एक चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत इजी टेस्ट प्रोसीजर है, बट आपको थोड़ा थोड़ा सावधानी बरतना है। आपको मॉइस्चर फ्री मैं पहले ही बता चुका हूँ, मॉइस्चर फ्री अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो इसकी परसेंटेज कम हो जाएगा, जिससे आपको रिजल्ट एक्चुअल नहीं मिल पाएगा, राइट। इसका कितना लेते हैं, तो 1 ग्राम लेते हैं, याद रखिएगा, 1 ग्राम आप लीजिएगा तो जितना आप एक्यूरेट लीजिएगा उतना आपके पास रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। आप लापरवाही करेंगे, जैसे 900 ग्राम ले लिए तो उसमें रिजल्ट वेरिएशन होगा। आप जितना आपको दिया गया है टेस्ट प्रोसीजर में उतना आप उसको फॉलो करिए, राइट। तो हम सबसे पहले क्या किए हैं, 1 ग्राम लिए हैं, तो मान लो कितना हो जाएगा मेरा, 2600 हो जाएगा, W2 मानना है इसको। अब हमारे पास W2 क्या हो जाएगा, ये 26 ग्राम हो गया, ठीक है। W1 क्या हो जाएगा, 25, जो क्या है एम्प्टी क्रूसिबल का वेट है। W2 क्या हो जाएगा, सिंपल वेट हो जाएगा। W2 क्या हो जाएगा मेरा, सिंपल के लिए वेट हो जाएगा। तो सिंपल वेट कैसे निकलेगा, तो W2 माइनस W1 करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल वेट निकलेगा, तो 1 ग्राम हो जाएगा।
दोनों को अगर घटाता हूँ तो। फिर तीसरा मैं क्या करता हूँ, इसको जो सिंपल है उसको मैं मफल फर्नेंस में, याद रखिएगा मफल फर्नेस जिसका टेम्परेचर कितना है 800 है, 800 सेंटीग्रेड, ये मैं पहले से मफल चालू करूँ फर्नेस जिसका टेम्परेचर कितना है 800 डिग्री, उसको 800 में होने में कितना लगता है, तो 1 घंटा अप्रॉक्सीमेटली लगता होगा। तो मैं इसका काउंट नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट, मेरे पास जब सिंपल 800 हो गया तो मेरे को उसी से काउंट करना है। अगर रखता हूँ तो उसको कितना करना पड़ेगा, 1 आवर्स के लिए रखना पड़ेगा, मतलब जो सिंपल है इस एनालिसिस के लिए उसको 1 घंटा रखना है। कितना डिग्री टेम्परेचर में, 800 डिग्री टेम्परेचर में, तब रखना है जब 800 हो जाएगा तब। अगर 0 में आप रख रहे हो मफल फर्नेस को, अगर स्टार्ट कर रहे हो उस कंडीशन में, आपको कितना में रखना है, 2 घंटे के लिए रखना है आपको, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, 1 घंटे बाद क्या करते हैं इसको, 1 घंटे बाद क्या होता है, वो जल जाता होगा, जलने के बाद क्या होता है, उसको ठंडा करना है, ठंडा करना है और वेट करना है। तो वेट क्या हो जाएगा, W3, W3 मान लो कितना हो जाएगा मेरा 25.3, ये सब निकाला हुआ वैल्यू है ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा समझाने में, ठीक। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका कैलकुलेशन करता हूँ। फार्मूला क्या हो जाएगा, W3 - W1 / सिंपल वेट इंटू क्या हो जाएगा, 100, ठीक। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, W1, W2, W3, ये W2 को मैं सिंपल वेट मान लिया समझ लो, W हो जाएगा 25, अब ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 25 300, ठीक। तो हो जाएगा, तो आता है 30, ठीक है। तो मैं एक पूरा टेस्ट प्रोसीजर बता देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, एम्प्टी क्रूसिबल लिया है। एम्प्टी क्रूसिबल लेने के बाद क्या करते हैं, मॉइस्चर फ्री 1 ग्राम सिंपल डाल दिए। सिंपल डालने के बाद क्या करते हैं, उसका वेट लेते हैं। सबसे पहले एम्प्टी क्रूसिबल का वेट ले लिए, नोट किए, उसका मान लो कितना आया, 25 ग्राम आया। 25 ग्राम के बाद हम जब सिंपल उसमें डालते हैं 1 ग्राम, तो कितना हो गया, 26 ग्राम, ठीक है। और हमको सिंपल, सिर्फ सिंपल का वेट निकालना है, तो W2 - W1 करेंगे तो हमारा सिंपल वेट 1 ग्राम आ गया। उसको मैं 1 घंटे के लिए किस में रख दिया, मफल फर्नेस में, जिसका टेम्परेचर 800 डिग्री टेम्परेचर हो गया। फिर 1 घंटे बाद निकालता हूँ, फिर उसको ठंडा करता हूँ। ठंडा करने के बाद क्या करता हूँ, उसको वेट लेता हूँ। वेट लेने के बाद मान लो कितना आया, 25 300 आया, ठीक है। अब 25 300 आया, मेरे पास तीनों हो गया रीडिंग, W1, W2, W3, तीनों रीडिंग मेरे पास अगर प्रेजेंट है तो मैं उसका कैलकुलेशन कर सकता हूँ। उसका फार्मूला क्या होता है, W3 - W1 / सिंपल वेट इंटू 100, इतना मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा सिंपल वेट निकल जाएगा या परसेंटेज निकल जाएगा, एस का परसेंट, राइट। तो देखते हैं W3 कितना हो जाएगा, W3 हो जाएगा 25 300, W1 कितना हो जाएगा, 25। अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ, उसके बाद सिंपल से डिवाइड करता हूँ, मतलब 1 से डिवाइड करूंगा, 0.3 को मैं क्या करूंगा, 0.3 को 1 से डिवाइड करूंगा और 100 से उसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आ जाएगा मेरा, 30% एस आ जाएगा। मतलब एस का परसेंटेज कितना है, 30%, यहाँ पे मैं निकाल के आपको बता दिया हूँ, राइट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एस के लिए हो जाएगा, राइट। एस का परसेंटेज आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहता हूँ, एस मैं यहाँ निकाला हूँ 30%। अब मैं आगे चलता हूँ वीएम की ओर। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, वीएम। वीएम मतलब होता है वोलाटाइल मैटर, राइट। वोलाटाइल मैटर में हम क्या क्या देखते हैं, कि उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको क्या करना होता है, जो कोल में प्रेजेंट रहता है वो क्या होता है, कुछ निश्चित टेम्परेचर में ही वो क्या हो जाता है, वेपर होता है। उसके बाद जो उड़ता है, क्या क्या चीज उड़ा है उसी को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, राइट। वाटर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कुछ ऐसे हैं जिसको हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये जब उड़ता है, ठीक, हमारा टॉपिक ही क्या है, वोलेटाइल मैटर, ठीक। कोयले के पदार्थ में कार्बन के अलावा और बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनको हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे टेम्परेचर में इसको बर्न करते हैं, सिंपल को बर्न करने के बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि कितना जला या कितना वेपर हुआ, उसी को हम क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही हम करते हैं, याद रखिएगा। ये हम एनालिसिस को क्या करते हैं, O2 के अब्सेंस में ही करते हैं, ठीक। O2 के अब्सेंस में, मैं बार बार बोला हूँ, क्योंकि जब उसमें वोलेटाइल मैटर में क्या रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, तो वोलेटाइल मैटर बढ़ जाएगा। ये किससे होता है, कोल में। कोल में क्या होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। अगर कोल में मॉइस्चर फ्री है तो हमारा सिंपल एक्यूरेट रहेगा या रिजल्ट एक्यूरेट रहेगा। अगर कोल में मॉइस्चर नहीं, मॉइस्चर है, तो वोलेटाइल मैटर ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बताता हूँ, लिख के थोड़ा सा फिर आपको समझा दूंगा।
फिर क्या हो जाएगा, वोलेटाइल मैटर जिसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ, अब आपको इसको समझाता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो वीएम को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले वोलेटाइल मैटर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या करते हैं, देखते हैं कि कितना परसेंट उड़ा है वो। ठीक है, जब उड़ने के बाद हम क्या देखते हैं, इसमें कितना परसेंट हमारा जो पदार्थ है वो उड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्रूसिबल लेते हैं। क्रूसिबल थोड़ा सा नॉर्मल क्रूसिबल से अलग होता है, राइट। तो वो क्रूसिबल लेते हैं, क्रूसिबल लेने के बाद क्या करते हैं, उसका एम्प्टी वेट लेते हैं, जिसको हम क्या मानते हैं, W1 मानते हैं। मान लो एम्प्टी वेट कितना आया है, 20 आया है, ये मैंने एज्यूम किया है। हो सकता है वहाँ पे डिफरेंट नंबर रहे हैं, राइट। आपको कैलकुलेशन के पर्पज से बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, उस चीज में कैलकुलेशन क्या करते हैं, जो क्रूसिबल लिए हैं उसी क्रूसिबल में मैं 1 ग्राम सैंपल कोल का -212 माइक्रोन कहाँ से आया मैं बता दिया, कोल माइन से आया। माइन से हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग के जरिए, कोई भी ट्रांसपोर्टिंग के जरिए होता है, उसको सैम्पलिंग करते हैं, फिर उसका प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन कर करके क्या करते हैं, उसको -212 माइक्रोन में लाते हैं। वहीं से क्या करते हैं, हम ये सैंपल लिए हैं, सैंपल याद रखिएगा मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। अगर मॉइस्चर है तो वोलेटाइल मैटर ज़्यादा आएगा, फिर आपका रिजल्ट सही से नहीं आएगा उस कंडीशन में, राइट। ये हो गया, फिर क्या करते हैं, 1 ग्राम ले लिए, 1 ग्राम लेने के बाद क्या करते हैं, वो हमारा W2 हो जाएगा। जब W2 - W1 करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या आ जाता है, सिंपल वेट आता है। मान लो मेरा W2 कितना है, 21 है, W1 20 है, तो कितना ग्राम सिंपल आ गया, 1 ग्राम सिंपल वेट आ गया, इसको याद रखिएगा। फिर क्या करते हैं, इसको 7 मिनट के लिए, याद रखिएगा, टाइमर लगा के 7 मिनट के लिए मफल फर्नेस में 800 डिग्री टेम्परेचर में क्या करते हैं, इसको बर्न करते हैं, रख देते हैं। और इसको 7 मिनट से ज़्यादा रखते हैं तो क्या होता है, ये S में बदलने लगता है, इसको याद रखिएगा। कई लोग बोलते हैं 7 मिनट से ज्यादा क्यों नहीं रख सकते, तो इसका एक टाइम फिक्स दिया हुआ है। ये कम टेम्परेचर में इसका जो वोलेटाइल मीटर है वो उड़ता नहीं है, लेकिन टेम्परेचर एक फिक्स रखा है उसी में क्या करेगा, इसका जो मैटर्स है वो क्या होता है, उड़ता है। ठीक है, और ये पूरा एनालिसिस हम ऑक्सीजन की अब्सेंस में करने वाले हैं, राइट, वोलेटाइल मीटर में। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें ये जल गया 7 मिनट में, क्या हो गया, जितना निकलना था निकल गया। फिर इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, इसको वेट लेते हैं, जिसको हम W3 माने हैं। अब इसका वेट देखते हैं तो 20.9766 आया, राइट। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, W3 हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा फार्मूला अलग है, जैसे इसका फार्मूला अलग था, W3 - W1 / सैंपल वेट * क्या हो जाता है, 100, उसमें हमारा एस निकल जाता था। लेकिन इसमें हमारा थोड़ा सा अलग है, W1 - क्या हो जाएगा, सिंपल वेट, एम्प्टी वेट प्लस सिंपल वेट दोनों को जोड़ना है, प्लस माइनस क्या करना है, W3 करना है, जो 20.9766 आया उसको घटाना है, डिवाइडेड बाय हमको सिंपल वेट करना है * 100, तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, वोलेटाइल मैटर हमारा निकलेगा। और हमारे पास W1 कितना आया था, 20, W2 कितना आया था हमारा, W2 सॉरी सिंपल वेट 1 ग्राम, W3 कितना आया है, 20.9766। और इसको हम क्या करते हैं, पूरा कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जो सिंपल का वेट आता है या परसेंटेज आता है, वो वोलेटाइल मैटर का जो परसेंटेज है 2.34 आता है। याद रखिएगा, वोलेटाइल का जो परसेंटेज अब हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2.34। और एस का मैं कितना निकाला था, 30 निकाला था। अगर दोनों का वैल्यू मेरे को पता है तो मैं फिक्स कार्बन को निकाल सकता हूँ। फिक्स कार्बन निकालने का फार्मूला क्या होता है, मैं इसको FC बोलता हूँ। ये हो जाएगा एस प्लस वोलेटाइल मैटर माइनस क्या हो जाएगा, ये 100 इजलीस आया है, 2.34। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये 32.34 हो जाएगा, -100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिक्स कार्बन हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा फिक्स कार्बन की परसेंटेज कितना हो जाएगा, 67.66। एस कितना आया था, एस आया है 30%, वोलाटाइल मैटर आया है 2.34%। दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 32.34 होता है, उसको -100 से करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 67.66%, राइट। तो ये आज का पूरा टॉपिक हो जाएगा, एस, वोलाटाइल मैटर और क्या हो जाएगा, फिक्स कार्बन। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा आपको एक ही चीज़ याद रखना है, मॉइस्चर को, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए आपका सिंपल में, दोनों कंडीशन में, वोलेटाइल और एस के कंडीशन में। ठीक है, तो एस देख लिए, वोलेटाइल देख लिए, फिक्स कार्बन देख लिए, राइट। तो आज के लिए बस इतना।